नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ पवनदीप। आप मुझे न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। और मेरे साथ में इस वक्त आउटपुट हेड प्रभात पांडे जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और तो दिल्ली की सियासत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोगों के मन में एक ही सवाल है कि 3 से 4 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। स्वाति मालीवाल का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, अब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो इससे बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाले इलेक्शन में होने वाली है? देखिए अमन, 2025 के शुरुआती 3-4 महीनों में दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, ये सच है। आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करके अरविंद केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है। उसे 3-4 मुद्दों को एक साथ वो सुलझा सकते हैं। पहली चीज़ कि आतिशी को दिल्ली का प्रभार देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को दिल्ली की जो लोकल पॉलिटिक्स है, जिसमें वो डे टू डे इवेंट्स में इन्वॉल्व होते थे और फंसे रहते थे, या जो उनके सीनियर कलीग्स हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह, तो आतिशी के पास कार्यभार चला गया। अब ये लोग बिल्कुल फ्री हैं, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे जो सीनियर लीडर्स हैं, ये पार्टी के नेशनल लेवल पे विस्तार की कामकाज को ज़्यादा प्रोमिनेंस दे पाएंगे, ज़्यादा समय दे पाएंगे, पार्टी का विस्तार होगा। दूसरी चीज़ कि एक जो स्वाति मालीवाल केस के बाद जो एक डेंट आया था आम आदमी पार्टी पे, जो एक छवि बन रही थी और बीजेपी उसको भुना भी रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वहाँ महिलाओं की कदर नहीं है या महिलाओं के साथ बदसलूकी है, वो काफ़ी चर्चा में रहा था, आपने देखा भी होगा और दर्शकों ने भी देखा होगा उस समय। तो एक उस डेंट को साफ करने की कोशिश की है कि भाई ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी में महिलाओं की भी उतनी ही जगह है जितनी पुरुषों की है। तो आतिशी, तीसरी चीज़ कि आतिशी को बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल मतलब इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि आतिशी कोई बगावत नहीं करेंगी, आतिशी पार्टी को हाईजैक नहीं करेंगी, मतलब किसी के लिए भी जो खासतौर पे इस तरह की पार्टियां हैं उनको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का रहता है कि भाई हमने किसी को कुर्सी दी और बाद में पता चला पार्टी हाईजैक कर लिया उसने, तो कम से कम आतिशी से अरविंद केजरीवाल को वो भय नहीं है। चौथी चीज़ कि आतिशी क्वालिफाइड भी हैं, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई है उनको, और जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो वर्चुअली सरकार वही चला रही थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दोनों पार्टी के सीनियर लीडर्स वो दोनों जेल में थे, संजय सिंह भी जेल में थे, तो आतिशी के पास एक थोड़ा सा अनुभव भी आ गया है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है और कैसे मतलब चीज़ें डील की जाती हैं। अब ये अरविंद केजरीवाल का जो ये पूरा मतलब वेल प्लान्ड चक्रव्यूह इसको कहिए, ये बीजेपी के लिए मतलब थोड़ा बीजेपी में हड़कंप तो है। अब बीजेपी में हड़कंप है तो बीजेपी इसको मतलब कैसे काउंटर कर सकती है, उसके लिए एक जो सब मतलब जो चीज़ समझ में आ रही है कि देखिए दिल्ली बीजेपी में एक लीडरशिप क्राइसिस का फेज है, मतलब कोई ऐसा करिश्मेटिक लीडरशिप दिल्ली प्रदेश बीजेपी में नहीं दिख रहा है जो जिसको चुनाव में मतलब जिसके चेहरे पे दाव लगाया जा सके। हालांकि बीजेपी हर चुनाव जो है वो बिना चेहरे के ही लड़ती है और उसमें एक ही चेहरा होता है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होता है, उनका नाम होता है, उनके नाम पे ही वोट मिलते हैं, उनके चेहरे पे वोट मिलते हैं। लेकिन दिल्ली में आखिर कौन, ये एक सवाल बीजेपी कैडर्स और इन सब में भी जा रहा है। तो आतिशी के काउंटर के लिए बीजेपी के पास एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, बांसुरी स्वराज का चेहरा। बांसुरी यंग हैं आतिशी मार्लिना की तरह, एनर्जेटिक हैं आतिशी की तरह, वेल क्वालिफाइड हैं आतिशी की तरह। भाई आतिशी ने भी बाहर से पढ़ाई की है, इन्होंने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। और एक प्लस पॉइंट है जो आतिशी के पास नहीं है कि इनको सियासत विरासत में मिली है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बांसुरी मतलब एक सियासी परिवार में पैदा हुई हैं और बचपन से मतलब अपनी माँ सुषमा स्वराज को देखती आई हैं और कहीं ना कहीं सुषमा की छवि झलकती है बांसुरी के ओरेशन में, उनकी बातचीत में, उनकी स्टाइल में। आपको याद होगा बांसुरी स्वराज ने जब लोकसभा की शपथ ली थी, लोकसभा सदस्यता की, संस्कृत में शपथ ली थी,
उस समय हम लोगों ने भी वो किया था, हम मतलब मुझे याद है जब सुषमा स्वराज ने पहली बार जब 96 या 98 में जब लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली थी, संस्कृत में ली थी, तो मेरे जहन में पहला चेहरा वही आया जब संस्कृत में इन्होंने अपनी शपथ की शुरुआत की, तो मतलब मैं सीधे सीधे रिलेट कर रहा था कि आज सुषमा स्वराज की कॉपी दिख रही है संसद में, और सुषमा की तरह ही एक अच्छी और प्रखर वक्ता दिखती हैं बांसुरी अब तक, उन्होंने उनके इलेक्शन रैलीज आप देख लें, जो लोकसभा इलेक्शंस की रैलीज थी या संसद में एक दो बार उनको बोलने का मौका मिला है, वो सारी चीज़ें, तो ये बीजेपी अगर बांसुरी को आगे लाती है तो आतिशी का एक अच्छा काउंटर कर सकती है बीजेपी जी। यानी कि सुषमा स्वराज को जो फॉलो करती थी या उनके जो वोटर्स थे वो आपको लगता है कि फिर यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, ये भी एक बीजेपी को फायदा मिल सकता है बिल्कुल। लेकिन एक डेंट आम आदमी पार्टी पर और लगा अरविंद केजरीवाल को लेकर, कहा गया कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, कुर्सी का मोह है, और ये बीजेपी लगातार कई दिनों तक इसको मुद्दे को भुनाती रही, आपको क्या लगता है वो डेंट भी अब साफ हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में रहे उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी, उसके पीछे उनकी अपनी कुछ स्ट्रैटेजी थी जिस पे वो काम कर रहे थे, और उन्होंने वहीं से गवर्नमेंट रन किया है वर्चुअली, अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं ले लिया जा सकता था उस समय, और वही हुआ। लेकिन जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये चीज़ ज़रूर समझ में आई कि भाई ठीक है, मैं मतलब अकेला एक मतलब मुख्यमंत्री रहूं या पार्टी के विस्तार को देखूं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार, क्योंकि दो राज्यों में इनकी सरकार है, कई राज्यों में इन्होंने अपनी अच्छी छाप छोड़ी है, अच्छे वोट मिले हैं इनको, तो अब भाई अगले साल भी कई स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके अलावा आपको अगले साल शुरुआती में ही दिल्ली में इलेक्शंस हैं, बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल के आखिर में, और कई राज्यों के चुनाव हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मतलब एक दिल्ली स्टेट कैपिटल की राजनीति से निकल के अपने आप को पूरे देश में फैलाना चाह, यानी आपदा में अवसर उन्होंने तलाश लिया है। आज उनका एक स्टेटमेंट आया जहां पर उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, आप यहां पर विस्तार की भी बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में उतनी मजबूती के साथ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी कि गठबंधन के बिना किसी भी पार्टी का सरकार बनाना मुश्किल होगा? देखिए ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, हालांकि हरियाणा में उनका प्रेजेंस है, दिख रहा है उनके कार्यकर्ताओं का एक कैडर है उनका अपना आम आदमी पार्टी का, और चूंकि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं तो एक सेंटिमेंट है उनको लेके, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है लोगों में, लेकिन ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि आम आदमी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी या सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल गए उस वक्त लगा कि पार्टी कमज़ोर हो सकती है, कई नेता हमने देखे कि पार्टी को छोड़ते हुए भी नज़र आए, उस वक्त आतिशी की कई सारी वीडियोस सामने आती रहीं, एक वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई जिसमें वो पुलिसकर्मियों से भिड़ती हुई नज़र आई पार्टी कार्यालय में जब उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, तो एक बड़ा फैक्टर इसे भी मान सकते हैं कि एक मुश्किल घड़ी में आतिशी ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, वो भी एक बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आया। अब जब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाकी पूरे विस्तार पर फोकस करेंगे, तो ऐसे में क्या पार्टी पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी? क्योंकि अभी इलेक्शन है तो फोकस यहीं पर रहता है, हर पार्टी यही कोशिश करती है कि वो आम जनता तक पहुँचे और अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूती के साथ में जनता के साथ। बिल्कुल, देखिए किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब मतलब इमर्ज होती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये मकसद होता है कि वो सत्ता में आए एक ना एक दिन, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आप अगर देखें उसका इतिहास आपको याद होगा कि भाई पार्टी बनाने के साल दो साल के अंदर वो सत्ता में आ गए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है कि आप दिल्ली की 70 विधानसभा वाले स्टेट में आपने सरकार बनाई, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही मतलब आप कह लें कुछ ही सालों बाद पंजाब में आपकी सरकार बन गई, गुजरात में आपने अच्छा खासा वोट बटोरा, आपने गोवा में वोट बटोरा है, आपने उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमाने की प्लानिंग की, आप वहाँ आए, तो ये सारी चीज़ें, ये तो भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एम्बिशन होता है,
और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर निकल के भाई पार्टी के विस्तार पे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी मजबूत होगी, उनके कैडर्स और स्टेट्स में बढ़ेंगे। लेकिन आजकल एक चलन बढ़ गया है कि जब भी कोई सीएम पद छोड़ता है या फिर किसी और को कुर्सी मिलती है, कोशिश यही की जाती है कि किसी ऐसे चेहरे को उस कुर्सी पर बैठाया जा सके जिसकी खुद की पहचान ज़्यादा ना हो। लेकिन यहाँ पर हम देखें आतिशी की खुद की पहचान बहुत ज़्यादा है, वो लोगों के बीच में भी जाती हैं, कई सारे विभाग उनके पास में भी रहे हैं दिल्ली मंत्रालय के, लोगों से कनेक्ट भी होती रही, जनता के बीच भी जाती रही। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे उस वक्त उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ में जिम्मेदारी के साथ में सारी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन वो एक मजबूत कैंडिडेट पहले से थी। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आपको लगता है कि चुनौती नहीं? देखिए ये मतलब इसमें आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल को इतना भरोसा है आतिशी पे कि आतिशी से उनको कोई खतरा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप लीजिए झारखंड का, कि झारखंड में जब हेमंत सोरेन के जेल जाने की नौबत आई, ईडी ने जब उनको गिरफ्तार किया तो हेमंत सोरेन ने बिल्कुल अपने एक पपेट सीएम को आप सीएम पोस्ट पे बिठाया और जेल से बाहर आते ही उन्होंने वापस उनको उतारा और खुद काबिज हो गए सत्ता पे। अरविंद केजरीवाल के पास भी ये ऑप्शन था, अरविंद केजरीवाल चाहते तो अपने परिवार से अपनी पत्नी को, जिन्होंने मोर्चा मतलब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कई पब्लिक अपीयरेंस उनकी हैं और काफ़ी सपोर्ट भी था, पार्टी के नेताओं का भी सपोर्ट था उनको, अरविंद केजरीवाल चाहते तो सुनीता केजरीवाल को भी बागडोर दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने अपने एक भरोसेमंद चेहरे को उतारा जो उनकी फैमिली का मेंबर नहीं है, परिवारवाद के आरोप से बिल्कुल पाक साफ बच गए, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सवाल हमेशा से एक बना रहता है कि जो साउथ के स्टेट हैं वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी जगह पर भी हम देखते हैं जहाँ से उम्मीद कम होती वहाँ पर भी बीजेपी अच्छी सीटें जीत जाती है, लेकिन दिल्ली जहाँ पर प्रधानमंत्री भी रहते हैं, बड़े बड़े चेहरे रहते हैं, वो दिल्ली जीतने में बार बार नाकाम साबित होती है। तो अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए पहले के मुकाबले थोड़ी सी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और अगर वो बांसुरी स्वराज को टिकट देती है तो पार्टी कितनी ज़्यादा मजबूत हो सकती है? देखिए टिकट देने का तो सवाल नहीं है अभी ना, मैं बात कर रहा हूँ कि चेहरे को। भाई बांसुरी दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, दिल्ली से उनका एक अपना कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। दूसरा जो आपने कहा कि बीजेपी के लिए दिल्ली मुश्किल हमेशा होती आई है, सुषमा जी को दिल्ली कुछ महीनों के लिए मिली थी बतौर मुख्यमंत्री, उस समय कई फैक्टर्स थे, सबसे बड़ा फैक्टर जो उस समय समझ में आया था वो प्याज की बढ़ती कीमतें थी जिसने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर किया। उसके बाद लगातार 3 टर्म शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी और 2 टर्म से आम आदमी पार्टी है। अब ये है कि बीजेपी के लिए मुश्किल कितनी होगी, आसान कितना होगा, ये तो चुनाव के टाइम पे। रही बात, देखिए वोटर्स अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं, वोटर्स को ये पता है कि मेरे इस वोट से कौन सी सरकार बनने वाली है, क्या मुख्यमंत्री चुना जाना है या प्रधानमंत्री चुना जाना है, तो वोटर्स ये समझते हैं। और आज भी आप दिल्ली के लोगों के बीच अगर सर्वे करें तो ये वाकई आश्चर्य की बात है कि 7 की 7 लोकसभा सीट बीजेपी को आती है लेकिन 70 में से 67 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी को आती हैं। तो ये वोटर्स के मतलब क्लियर माइंडसेट, क्लियर कॉन्सेप्ट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टियों की तरफ से कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक चलने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब फायदा किसको होगा ये तो फिलहाल जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, बाकी आप न्यूज़ 18 यूट्यूब पर देखते रहिए, खबरें लगातार जारी हैं।